सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी आज मैं बात करने वाला हूँ लेट कादर खान के बारे में आ, मैं माफी चाहता हूँ काफी कुछ दिनों से मैं इनके बारे में वीडियो नहीं बनाया मैं वेट कर रहा था कुछ चीज़ों को लेकर और इनके जब आ, ख़बर सुनने में आई मैं आ, एक तारीख को एक जनवरी को सबसे दुखदायी खबर सुनने में आई कि कादर खान साहब हमारे बीच नहीं रहे इक्यासी साल की उम्र में उनका निधन हो गया ही वॉज जस्ट एटी वन ओल्ड और उनके बेटे शहनवाज़ और यहाँ पर सरफराज सरफराज के साथ कैनाडा में उनकी सरफराज की पत्नी के साथ करीबन करीबन तीन साल पहले मुंबई से रवाना हो गए थे उसके बाद से हाल खबर आई थिंक कुछ नहीं मिली थी और ए, एक एक हफ्ते पहले कुछ खबर आई और कम से कम तीन से चार दिन पहले जब खबर आई थी जैसे एक तारीख को उनका इंतकाल हुआ उससे तीन चार दिन पहले खबर आ गई थी आ, कि उनके बेटे ने कहा कि वो रिस्पोंड नहीं कर रहे चीज़ों को लेकर जो ट्रीटमेंट है उसको लेकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनके पिताजी यानी कादर खान साहब तभी आई थिंक Uh, मैंने एक वीडियो बनाया था कहा था कि आप प्लीज़ प्रे करिए कादर खान के लिए और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अच्छे टैलेंट हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं कि कादर खान हमारे बीच में नहीं रहे सवाल यहाँ पर ये है कि उनके आ, उनको जब जब वो बीमार हो गए जब वो फ़िल्मों से काफ़ी दूर हो गए तब क्या किसी ने उन्हें याद किया किसी ने उनकी सुध ली किसी ने उनका हालचाल पूछा या नहीं आज दो तीन चौंकाने वाली बातें मैं करूंगा इस वीडियो में जो आई थिंक आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है चलिए सबसे पहली आ, बात आ, ये बताना चाहता हूँ आपसे एक आ, उनकी ही एक आला बजर फिल्म है उन पर उनमें उन एक बहुत अच्छा गाना है इनका और वो गाना है पैसा बोलता है जी हाँ इससे शुरुआत करना चाहता हूँ ताकि आपको एक चीज़ पता चल जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ ठन ठन की सुनो झनकार ये दुनिया है काला बाजार ये पैसा बोलता है मैं गोल हूँ दुनिया गोल जो बोल मैं गोल हूँ दुनिया गोल जो बोलू खोल दूँ सबकी पोल ये पैसा बोलता है ये गाना ज़रूर आप YouTube पे देख लीजिएगा ये या तो लिरिक्स पढ़ लीजिएगा 1989 की फ़िल्म है और सही कहा है किसी ने कि पैसा बोलता है आपके पास पैसा है आपके पास सक्सेस है तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे आपके पास पैसा है नहीं है सक्सेस नहीं है आप बीमार हो आप तकलीफ़ में हो नहीं लोग आपको याद नहीं करेंगे तो वो जो है ना एक वक्त पे साथ रहना चाहिए ऐसे वक्त पे तीन चार साल से जब पाँच साल से बीमार है बहुत ही कुछ लोगों ने ही उनकी हाल खबर ली होगी उनके बहुत ही करीबी लोगों ने भी उनसे मुलाकात नहीं की और ये सबसे सैड बात है मेरे हिसाब से मैं आपको थोड़ी थोड़ी के काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में चलिए सबसे पहले मैं के सी जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर रह चुके हैं नाइन्टीज़ के दशक के उनका उनकी राय बताता हूँ कालर खान साहब की मौत के बाद उनका और uh, जो उनका क्या कहना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं आर्टिकल के तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ गया वो आर्टिकल मैं आर्टिकल ढूंढ के आपको बताना चाहता हूँ जी हाँ uh, के सी बोकारिया जो बहुत uh, बड़े डायरेक्टर में से एक थे नाइन्टीज़ के दशक के बहुत बड़े डायरेक्टर आप उनको सर्च करें आपको बहुत सारी फिल्में मिलेगी ठीक है कदर खान साहब के साथ इन्होंने आई uh, मीन I mean के सी बुरिया ने बीस फिल्में की थी ये तो नहीं है आपको पता ये भी लेट एक्टर ओमपुरी साहब है और उनकी आखिरी फिल्म जो थी उनके उन इन दोनों के साथ में उनकी तस्वीर है ठीक है और यहाँ पर आपको बताना चाहना चाहता हूँ केसी बोकारिया के ने जो भी कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप सबको जाना चाहिए इन अवर इंडस्ट्री पीपल फॉगेट ग्रेट टैलेंट हमारे इंडस्ट्री में लोग ग्रेट टैलेंट को भूल जाते हैं अच्छे टैलेंट को भूल जाते हैं लाइक द फॉगेट कादर खान वज ही स्टॉप इन द लास्ट फाइव ईयर्स ही डेट हेल्थ इशूज डूरिंग दिस टाइम आई वेंट टू हिस हाउस टू मीट हिम यानी कि पिछले पाँच सालों में वो कई सारे हेल्थ इश्यूज के साथ जूझ रहे थे आ, और मैं उनसे मिलने गया था और कादर खान के बारे में उन्होंने और कहा कि ट्रेंड मेनी एक्टर्स हू केम आफ्टर ही इन द इंडस्ट्री एंड ही यूज टू मेक दम कंफर्टेबल वाइल्ड एक्टिंग ही डिड नॉट गेट एन आफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री विच डिजर्व इंडस्ट्री पीपल Give you respect when you are at peak of career and after that nobody bothers what you are doing। यानी कि सिम्पल से लॉजिक ये है कि कादर खान साहब ने बहुत लोग को एक्टिंग सिखाई बहुत लोग को एक जो नर्वसनेस होती है वो दूर करवाए एज ए परफॉर्मर और कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और जब आप सक्सेस की पीक पर होते हो जब आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते तब लोग आपको याद करते अदरवाइज आपको भूल जाते हैं कोई नहीं ख्याल रखता कि आप क्या कर रहे हैं दिस आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इट शुड हैपन इट शुडेंट हैपन यानी कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और इन्होंने साफ साफ कहा है कि वाइल्ड वर्किंग इन फिल्म ऑल अ बिकम आर्टिफिशियल नो बडी हैज फीलिंग्स फॉर अदर पीपल यानी कि फिल्म में काम करते वक्त सब एक आर्टिफिशियल जैसे हो जाते हैं किसी को कुछ फीलिंग्स नहीं किसी और के लिए वी ऑफन से कि हम बिग फैमिली एक बॉलीवुड बिग फैमिली फिल्म इंडस्ट्री बिग फैमिली है ऐसा नहीं है इन रियलिटी सच्चाई तो ये है कि जो सक्सेस जिसके पास है लोग उसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो ये एक कड़वी सच्चाई चाहिए फिल्म इंडस्ट्री मैंने आपको बार बार कहा है आई थिंक डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री आई होप ऑल आफ्टर इज दैट ही विल गेट दैट रिस्पेक्ट यानी कि जीते जीते उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिली जो फिल्म इंडस्ट्री से मिलनी चाहिए थी आई होप मरने के बाद वो रिस्पेक्ट वो इज्जत उन्हें मिले ये बहुत ही पेनफुल वर्ड्स है uh, बेताब दिल है बेताब दीवाना मैं दीवाना त्यागी मैदान जंग कब तक चुप रहूंगी गंगा तेरे देश में और ना जाने कितनी फिल्मों में काम किया है फ़िफ्टी फाइव फिल्म बना चुके हैं किसी बुकारियाज बुकारिया उन्होंने पंद्रह से बीस फिल्म में कादर खान के साथ काम किया है एक अच्छे टैलेंट थे और ये कादर खान अमिताभ बच्चन साहब प्रांसाबी ऐसे एक्टर्स थे जो फिल्म के सेट पर रहते थे उनका सीन खत्म होने के बाद वो वैन टी में जाकर बैठते नहीं थे जैसे आजकल के एक्टर्स बैठते हैं एंड दिस इज वॉट के सी बुकारिया हैज सेड अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो और भी पेनफुल है यहाँ पर आज ही की खबर है सरफराज उनके बेटे ने कहा है कि माई फादर कादर खान स्पोक अवॉट अमिताभ बच्चन टिल हिज देथ मेरे पिताजी ने कादर का, आई मीन अमिताभ बच्चन को आखिरी पलों में याद किया था और अमिताभ बच्चन um, के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे थे अमिताभ बच्चन को जब उनके बारे में पता चला तो उन्हें साफ साफ लिखा था कादर खान अवे डिप्रेसिंग न्यूज़ माई ए मोस्ट एंड टैलेंट ऑफ ऑन फिल्म ऑफ फिल्मर इन मोस्ट ऑफ मे माई वेरी सक्सेसफुल फिल्म से रिलेटेड कंपनी यानी मैथमेटिशियन यानी कि बहुत बड़े जानकार थे लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे देख सकते कादर खान साहब ये पुरानी तस्वीरों में से एक है और ये उनके बेटे हैं सरफराज राइट साइड में शहनवाज लेफ्ट साइड में साहब और एक इंसान थे आप सभी को पता है और तीन सौ से ज्यादा फिल्मों में काम किया था और दो तो सौ पचास फिल्मों के उन्होंने डायलॉग लिखे थे कादर खान बॉर्न काबुल बॉर्न हुए थे और डेब्यूट किए थे डार्क फिल्म से राजेश खन्ना की और आफ्टर दैट इन नाइन सेवेंटी खान वेंट टू वर्क इन अवर्स थ्रीथ हंड्रेड फिल्म ऑलरेडी के ठीक है अब आपको आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री का क्या असूल होता है क्या रिवाज होते हैं यहाँ पर उनके बेटे थोड़ा गुस्से गुस्सा भी हुए थे गोविंदा जी से क्योंकि गोविंदा जी ने इस पूरे वक्त में उनका हालचाल नहीं लिया ऐसा शहनवास जी का कहना है आपको इस पर भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे और जो कहीं ना कहीं एक दुखद बात लगी उनके बेटे को कि उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया तरह से और आपको बता दो शक्ति कपूर और कादर खान ने लगभग सात आई थिंक 200 के आसपास फिल्में की है ये एक अपने एक होगा किसी भी आर्टिस्ट का शक्ति आ, आ, शक्ति का वो दिन अपने पिताजी की तरह ही मानते तो, ये एक पेनफुल मोमेंट है सभी के लिए इंडस्ट्री के लिए लेकिन यहां पर एक बड़ी चीज जो सामने आती है जो सरफराज कहते हैं जो सभी कहते हैं कि हम मरने के बाद ही क्यों याद करते हैं हम जीते जी क्यों नहीं याद कर लेते शिकार जीते जी हम याद कर लेते हमारे लीजेंस को ताकि एटलीस्ट उन्हें भी आई मीन एक सहानुभूति एक अच्छा फील हो कि यार आ, आपने हमारे हमारे इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ किया है हम उन्हें याद कर ले हम उनसे मिले जाकर बढ़ने के बाद ही सब कंडोलेंस मीटिंग ट्वीट इंस्टाग्राम पे पोस्ट ये सब करके आई थिंक उससे बेहतर है कि आप जीते जी जब रहे कोई उन्हें उनके जब आखिरी वक्त हो या जो भी वक्त हो वो अकेले हो तो उनसे जाके मिले तो आई थिंक वो एक अच्छी सबसे अच्छी बात होती है और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ एक ऐसे आ, एक्टर लीजेंड कहा जाए हमारे बीच में नहीं है क्योंकि आपको बता दूँ ना केवल सिर्फ ये एक्टर थे मंझे बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिखते थे इनकी लाइफ स्टोरी अगर आपने नहीं देखी होगी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कादर खान लाइफ स्टोरी उनकी उनकी ही ज़बान में देखिएगा तीस पैंतीस मिनट का आपको एक वीडियो नेट पे मिल जाएगा कई सारे वीडियोस मिलेंगे उसमें से एक आधा पौरा घंटे का भी आपको मिलेगा मुंबई के किसी जगह पे कादर खान ने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताई थी कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजर बसर की उनके माँ ने उनको जो तालीम दी उससे किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल गई तो एक ग्राउंडेड इंसान थे और सही कहा कि इसी बुकारिया साहब ने उनको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी वो इज्जत उन्हें नहीं मिली और हम यही कहते हैं कि सो कहना चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और एक बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान थे किसी बुकार ने साहब साफ कहा कि वो सेट पर जब आते थे कापुर सेट पर ही बिजी रहते थे फिल्म मेकिंग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और सबकी इज्जत करते थे और सभी सभी लोग भी उनकी बहुत बहुत इज्जत करते थे तो ये थे कादर खान साहब और जो हमारे बीच में अब नहीं रहे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोगों से कि अपने आ, पर, अपने जो इम्पोर्टेंट लोग हैं अपने जो आ, ऐसे दो लोग हैं जिनको जिनकी जिनकी आपको ज़रूरत है या जिनको आपकी ज़रूरत है ज़रूर उनके साथ वक्त बताइए बिकॉज आई थिंक ये ना हो कि कहीं आपको भी पछताना ना पड़ जाए तो आपकी क्या राय है जरूर बताइए वीडियो के बारे में चलिए कितना